हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार दोस्तों, जो खरखोदा से पीपली रोड है, जो दिल्ली रोड है, उसका मामला बार बार सामने आ रहा है। रोड ठीक नहीं है, रोड टूटा हुआ है, पानी रोड पे आने के कारण पूरा रोड डिस्टर्ब है। जितने भी वाहन चालक है माल रोजाना परेशान हो रहे हैं, ड्यूटी वाले हैं लगातार लेट हो रहे हैं। तो ये मामला धीरे धीरे करके वहाँ भी चला गया, डीसी साहब के सामने भी चला गया है। डीसी साहब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पानी के कारण अगर रोड टूटता है तो पानी रोड पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर पंचायत की जिम्मेवारी है तो पंचायत इसको इंश्योर करे कि पानी नाला खोद के कहीं दूसरी तरफ ड्रेनेज में छोड़े, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए और रोड को विधिवत किया जाए ताकि वाहन चालकों को किसी तरह से परेशान न होना पड़े। उधर दूसरी तरफ IMT का जैसे डेवलपमेंट होने लग रहा है, IMT वालों ने आवाज़ उठाई है कि बात रखी है कि ये रोड चौड़ा होना है, 60 मीटर का रोड चौड़ा होना है, इसमें ग्रीन बेल्ट भी है दोनों तरफ है। तो इस मामले को लेकर भी डीसी साहब के सामने अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में डीसी साहब ने कहा है कि आदेश दिए हैं कि भाई रोड को चौड़ा करो ताकि आने वाले समय में इसका फायदा मिल सके और जो प्लान है प्लान के मुताबिक कार्य किया जा सके, क्योंकि ये जो रोड है ये मुख्य रोड है खरखोदा IMT में जाने वाला और इसकी सबसे बेहद ज़रूरत है। इसलिए इसको जल्दी ही इसका एस्टीमेट बनाकर इसका प्रोजेक्ट के थ्रू अंतिम रूप देने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इस बारे में आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि भाई गांव से चौड़ा होना, रोड का चौड़ा होना दिक्कत है तो इसमें बाईपास लिया जाए, लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने जो सेक्टर प्लानिंग की है उनकी सेक्टर प्लानिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर बाईपास निकला। तो ये कई तरह के इशू सामने आ रहे हैं। तो अब DC साहब ने हाल ही में कल जो मीटिंग थी उसमें आदेश जारी किए हैं कि तत्काल इसका प्रोजेक्ट बना के लेके आएं और इसको अंतिम रूप दें, इसको चौड़ा करें रोड को। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।